अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 35। फिर एलीहू इस प्रकार और भी कहता गया कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है? जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा और मुझे पापी होने के अलावा कौन सा अधिक लाभ होगा? मैं ही तुझे और तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूं, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाशमंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाए तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? तेरी दुष्टता का फल तुझ ऐसे ही पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। बहुत अंधेर होने के कारण वे चिल्लाते हैं और बलवान के बाहुबल के कारण वे दोहाई देते हैं। इस कारण कोई यह नहीं कहता कि मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है, जो रात में भी गीत गवाता है और हमें पृथ्वी के पशुओं से अधिक शिक्षा देता और पृथ्वी के पशुओं से अधिक बुद्धि देता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। निश्चय परमेश्वर व्यर्थ बातें कभी नहीं सुनता और न शक्तिशाली उन पर चित लगाता है। तू तो कहता है कि वह मुझे दर्शन नहीं देता, परंतु यह मुकदमा उसके सामने है और तू उसकी बाट जोहता हुआ ठहरा है, परंतु अभी तो उसने क्रोध करके दंड नहीं किया है और अभिमान पर चित बहुत नहीं लगाया। इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है।